कल हमने हमारा जो चैप्टर था ए रूम 10x8 उसके 100 क्वेश्चन आंसर हमने कल कर लिए थे। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन आंसर जिनकी वर्ड लिमिट है 60 to 80 वर्ड्स, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वर्ड लिमिट 60 to 80। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेमोरी, व्हाट मेमोरीज ऑफ द कंस्ट्रक्शन पीरियड ऑफ द कंस्ट्रक्शन पीरियड ऑफ द हाउस कैंप ट्राउलिंग ऑफ द हाउस कैंप क्राउडिंग टू मिसेज मलिक माइंड व्हाइल सिटिंग इन द व्हाइल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार, बैक सीट ऑफ द कार हमने पढ़ा था पेज नंबर 9 पर कि जब ये लोग मिसेज मलिक उसका बेटा और बहू तीनों जने जब अपने घर की ओर लौट रहे थे डे मंडे को शाम को, तो कार के पीछे श्रीमती मलिक बैठी थी, उनके दिमाग में फिर पुरानी यादें उनके दिमाग में आती गई। हमें उन मेमोरीज के बारे में बताना है कि उनके दिमाग में आखिर ये कौन कौन सी मेमोरीज आती गई। तो हम लिखेंगे when
तो हमने देखा ये सारे उनके दिमाग में ओल्ड मेमोरीज आती जा रही थी, और उन्होंने उस दौरान ये भी सीखा कि सी पेज पीछा आया हुआ है हमारे, सी हैड नॉट सी थॉट आल्सो दैट सी हैड नॉट पिक्ड अप, सी हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश पिक्ड अप इंग्लिश She had failed in this only. She had failed in this only. तो एक बार और थी उसके लिए, She had not complied. She had everything in life, everything in life. ये बातें उन्होंने, ये मेमोरी उनके दिमाग में जब वो बैक सीट पर बैठी थी कार के, उनके दिमाग में आती जा रही थी. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर टू, standing at the side with her
विधार, अम्ब्रेला थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द डे सी सुपरवाइज एवरी डिटेल, सी सुपरवाइज एवरी डिटेल एट टाइम्स सी वुड गिव ए हैंड एट टाइम्स कई बार सी वुड give a hand to the masons and others. She was the first to arrive at the construction site. She was the first to arrive at the construction site. And left after everyone and left after everyone had gone away. She ensured that वहां सुनिश्चित कर लेती थी कि there was no mistake. There was no wastage of material and the lever did not idle about. The lever did not idle about. Before long the house completed, before long the house completed. She insisted that she would have new furniture man. She would have new furniture man for the house. इस तरह हमने देखा किस्सा हमारा था, एक्सप्लेन करना था कि श्रीमद मलिक ने किस तरह उस घर के नए घर के निर्माण में इंटरेस्ट लिया और फर्निश के लिए भी. तो हमने उसका आंसर ये देखा जो पेज नंबर 7 से लेकर पेज नंबर 8 के फर्स्ट पैराग्राफ तक हमारा चल रहा था. इस तरह हम आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है
why do the Malik's question number third why do the Malik consider the government consider the government as a better tenant than the private ones than the private ones. तो यहां मलिक के बारे में पूछा है, मलिक की फैमिली के बारे में पूछा है कि वहां प्राइवेट टिनेंट्स की तुलना में प्राइवेट किराएदार की तुलना में गवर्नमेंट जो टिनेंट्स थे उनको ज्यादा अच्छा क्यों मानते थे, वो इस बारे में उनकी क्या सोच थी हमें ये बताना है। ऐसा देखा जाए तो इसका बड़ा आंसर नहीं है ज्यादा, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इसके साथ में एक क्वेश्चन और दिया जाएगा तब कहीं जाकर ही पढ़ा होगा, क्योंकि हमने भी इसके बारे में जो पढ़ा था जो हमारे सेंटेंस आया हुआ भी था हमें सबको पता है। पेज नंबर 8 पर सब जने आ जाएं और पेज नंबर 8 पर हम इसका आंसर देखते हैं। तो हम देखते हैं पेज नंबर 1 ऊपर से फोर्थ पैराग्राफ। Malik consider the government as a better tenant than the private one because private tenants are such a habit private
reconcerned by the government. The rank was credited. The rank was credited to their bank accounts, to their bank accounts every month regularly. Every month regularly. तो ये कारण था कि वे गवर्नमेंट के रैंक को अच्छा मानते थे और प्राइवेट के रैंक को एज ए हेडेक मानते थे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर था। Retired, their son had been married.
दया सन हैड बीन मैरिड. मिस्टर मलिक हैज रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस. मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस बट देयर हाउस हैड नॉट येट बीन रिलीज्ड. बट देयर हाउस had not been released by the government Mr. and Mrs. Malik uski jagah me dekhe they lived with their son they lived with their son and daughter-in-law and daughter-in-law in a rented house. Mr. Malik was still fighting. Mr. Malik was still fighting with the government, with the government for the relief of the house. For the relief of the house, van his and can. तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर देखा जो ये है आपके सामने. इसको ढंग से आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लेना. अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50. क्वेश्चन नंबर 50 में हमारे पास था What did Mrs. Malik? Question number 5. What did Mrs. Malik think about the figure of the lady? Of the lady in the draft plan of the house. In the draft plan of the house. आप लोग ढंग से क्वेश्चन लिखे उसके आंसर को लिखे जो भी डाउट हो वो व्हाट्सएप से क्लियर करें. और फिर भी कुछ हुए तो हम जब ऑनलाइन क्लासे समाप्त होगी जब क्लासे लगेगी उस दौरान आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी. अब हम इसके आंसर देखते हैं पेज नंबर 9 पर सब जगह आ जाए. उसके आंसर जैसे कि हमने पहले से आपको बता रखा था पेज नंबर 9 पर नीचे से थर्ड पैराग्राफ और ऊपर से थर्ड लाइन के लास्ट में द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड ए स्केच ऑफ
of the house in color of the house in color the way it would look when completed the way it would look when completed when completed it had the figure of the lady it had the figure of the lady of the house standing of the house standing on the veranda with her back on the veranda with her back towards the marble pillar towards the marble pillar elegant and graceful elegant and graceful clad in a maroon sari clad in a maroon sari she felt that the architect she felt that the architect had fainted her the figure in the sketch the figure in the sketch however was as tall as Mrs. Malik however was as tall as Mrs. Malik reclining against the pillar reclining against the pillar she stood the way she stood the way Mrs. Malik used to stand Mrs. Malik used to stand she saw the figure in the sketch she saw the figure in the sketch and would go and stand before the and would go and stand before the stand before the dressing table many a time dressing table many a time तो हमने देखा जो उसने उस स्केच के बारे में सोचा था जो आर्किटेक्ट ने बनाया था उस स्केच के बारे में उन्होंने ये पूरी बात सोची कि उसने मुझे बनाया
बताया है, कई बार वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बार बार जाके खड़ी भी होती थी, अपने आप को देखती भी थी जिस तरह से उस स्केच में उस फिगर को बनाया गया था। इस तरह हमने हमारे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए। आपका काम आज हो जाना चाहिए और कल आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर अपने वर्क को क्लिक करके सेंड करोगे। मैं देखना चाहता हूं जिस जिसने वर्क कर लिया है और सबका काम कंप्लीट होना चाहिए। इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।